नमस्ते दोस्तों। तो अभी तक हमने एनवायरनमेंट ओरिएंटेड एनवायरनमेंटल मैनेजमेंट प्लान और एनवायरनमेंटल क्लियरेंस के बारे में बात की, जिसमें हमने पढ़ा था कि कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे एयरपोर्ट्स हैं या फिर कुछ हार्बर्स हैं या फिर कोई बड़ा प्रोजेक्ट रहेगा या फिर नेशनल हाईवेज है, तो ऐसे अलग अलग माइनिंग के प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं, एक्सप्लोरेशन के प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, कुछ केमिकल प्लांट्स के प्रोजेक्ट हो सकते हैं। तो जो भी प्रोजेक्ट्स रहेंगे उसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो वो प्रोजेक्ट का साइज या कैपेसिटी, उसके अलावा जो उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, उसके बेसिस पे कैटेगरी ए और कैटेगरी बी में उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके पहले हमने बात की थी जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस या एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट के लिए जो मेन नोटिफिकेशन है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट का 2006 का, तो उसके जो नोटिफिकेशन के ओरिएंटेड आपको कुछ एक्सपर्ट मेंबर्स रहेंगे जो एनवायरमेंट पे क्या इंपैक्ट हो सकता है उसका स्टडी करो। तो ये जो मेंबर्स है ये मेंबर स्टडी करेंगे और उसका डिटेल प्रोसेस हम ईआईए में देखेंगे। यानी कि अगर आपका जो प्रोजेक्ट है उसका इम्पैक्ट, ये जनरली हम निगेटिव इम्पैक्ट देखने वाले, तो उसका निगेटिव इम्पैक्ट आपके एनवायरमेंट पैरामीटर्स पे, यानी कि एयर पे या वाटर पे, सॉइल पे, फॉरेस्ट पे, हैबिटेट्स पे, एनिमल्स पे या ह्यूमन बींग्स के हेल्थ पे या सराउंडिंग पे या पब्लिक पे, तो जो भी पैरामीटर्स है ये सभी के एनवायरमेंटल पैरामीटर्स पे अगर आपके प्रोजेक्ट का जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट होता है वो असेस करने के लिए यहाँ पे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट आपको स्टडी करना है। तो ये ईआईए में क्या इन्वॉल्व है, तो ईआईए में ये जनरल प्रोसेस है, ये फ्लो चार्ट थ्रू आप दे सकते हैं कि इसका प्रोसेस और मेथोडोलॉजी क्या है। तो जैसे आपका जो प्रोजेक्ट रहेगा तो प्रोजेक्ट के हिसाब से आपको साइट सिलेक्शन करना पड़ेगा और ये साइट सिलेक्शन करने के बाद आपको ईआईए थ्रू जाना पड़ेगा। तो ये जो आप एप्लीकेशन सबमिशन करना है आपको पर्टिकुलर फॉर्म में या फॉर्मेट में करना है, उसके बाद में वो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट यानी कि कैटेगरी ए या बी के हिसाब से वो मेंबर्स फाइनलाइज होगी और वो कमिटी आपके साइट पे आएगी और वो साइट के वहां पे आपको एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट वो स्टडी करेंगे या कंडक्ट करेंगे। तो ये ईआईए कंडक्ट करते टाइम वो अलग अलग पैरामीटर्स पे स्टडी करेंगे और फिर अगर कोई भी एनवायरमेंटल इफेक्ट जो कंट्रोलेबल है या परमिसिबल लिमिट्स के अंदर है तो उसके बाद में वो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे सकते हैं, यानी कि एनओसी। यानी कि जो भी आपका प्रोजेक्ट है, जो भी प्रोसेस है, वो जो प्रोसेस है उसका एनवायरनमेंट पे कम असर होता है या नेगेटिव इम्पैक्ट कम है, उसकी वजह से वो मेंबर्स या कमेटी आपको एनओसी दे सकती है। और इसके अलावा अगर किसी पब्लिक को, पर्सन को एज ए इंडिविजुअल अगर कुछ प्रॉब्लम है इस प्रोजेक्ट की वजह से, तो वो पब्लिक हियरिंग में ऑब्जेक्शन ले सकता है और ये पब्लिक हियरिंग अरेंज करना स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का काम है। तो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को ये ऑलरेडी एप्लीकेशन आ चुके रहते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट क्या है, साइट क्या है और उसके बारे में उन्होंने ऑलरेडी स्टडी कर चुके रहते हैं, और ये स्टडी होने के बाद एसपीसी भी ये पब्लिक हियरिंग ले सकता है जिसमें आपका लाइव रिकॉर्डिंग हो सकता है, न्यूज पेपर में आपको देना पड़ता है या न्यूज चैनल पे आपको देना पड़ता है या फिर आपको खुद को उसका वीडियो रिकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक हियरिंग में जो भी ऑब्जेक्शन रहेंगे उसके सॉल्यूशंस क्या है या फिर वो वैलिड सजेशन है या नहीं, वैलिड ऑब्जेक्शन है या नहीं या इनवैलिड ऑब्जेक्शन से, ये सब स्टडी करेंगे स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और जो भी स्टेट लेवल की कमिटी है वो। और उसके बाद में अगर उनको लगता है कि ये ऑब्जेक्शन वैलिड नहीं है तो वो एनओसी दे सकते हैं एसपीसीबी थ्रू यानी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड थ्रू, और उसका जो डिटेल रिपोर्ट है एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट का वो डिटेल रिपोर्ट इंक्लूडिंग पब्लिक हियरिंग ये आपको डिटेल सबमिट करेंगे। और ये सबमिट करने के बाद फिर जो एनवायरमेंटल अप्रेजल कमिटी है तो ये एसपीसीबी का जो रिपोर्ट है वो एसपीसीबी का रिपोर्ट
डिटेल में स्टडी करेंगे, ये रिपोर्ट भी वैलिड है या नहीं, या यहाँ पे कुछ मिसिंग है, या फिर कोई इफेक्ट पड़ना बाकी है, या फिर स्टडी करना बाकी है, तो ये इम्पैक्ट डिटेल में स्टडी करेंगे और फिर ये प्रपोजल जो है ये एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है या फिर कुछ सजेशंस देने हैं, ये वो अप्रेजल कमिटी पे डिपेंड रहेगा। तो अगर ये एनओसी का कुछ इशू नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कुछ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स नहीं है, तो ये स्टेट लेवल या एक्सपर्ट लेवल की जो अप्रेजल कमिटी है वो एक्सेप्ट करेगी और वो एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो है वो क्लियर कर सकती है। उसके अलावा अगर यहाँ पे मेजर कंसर्न है, मेजर प्रॉब्लम्स है और पब्लिक हियरिंग में अगर कोई मेजर ऑब्जेक्शन वैलिड है तो ये प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो सकता है। कुछ प्रोजेक्ट्स में यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस अगर एक्सपेक्टेड है या फिर कोई सब्स्टिट्यूशन मेथड एक्सपेक्टेड है या फिर कोई पर्टिकुलर प्रोसेस या लेआउट में कुछ चेंजेस एक्सपेक्टेड है, तो ये अप्रेजल कमिटी यहाँ पे आपको यानी कि एप्लीकेंट को सजेस्ट कर सकती है कि आप इतने चेंजेस करो और उसके बाद में रीसबमिशन करो। तो ये चेंजेस करने के बाद ये कमिटी यहाँ पे वापस से एसपीसीबी और एक्सपर्ट कमिटी जो रहेगी वो कमिटी थ्रू जाएगी और यहाँ पे फिर ये रिपोर्ट एक्सेप्ट हो सकता है। जो भी सजेशन उन्होंने अगर इनकॉर्पोरेट किए तो ये एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो सके और फिर आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस हमने जो बात की वही पे अभी डिटेल में यहाँ पे दिया है कि इसमें प्रोजेक्ट कॉम्पोनेंट्स अलग रहते हैं, उसमें फिर अलग अलग जो हमने ऑलरेडी कुछ स्टेजेस भी देखे एनवायरमेंट क्लियरेंस बारे में जो देखा था वही आपको यहाँ पे रिपीट है, जैसे स्क्रीनिंग है, स्कोपिंग है या फिर वहां पे इवैल्यूएशन है। और अगर आपके कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स है उसके बारे में अगर आपने कुछ लिखा होगा तो वो भी आपको स्टडी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट जो है तो पहले आपको लोकेशन आइडेंटिफाई करना, ये सबसे अहम बात है, क्योंकि जो भी आपका प्रोजेक्ट रहेगा तो आपका प्रोजेक्ट वो सिटी में है या सिटी के आजू बाजू में है या MIDC एरियाज में है या रेड जोन एरिया में है या फिर कोस्टल जोन में है, ये आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जो भी आपका प्रोजेक्ट रहेगा वो एक्चुअली सुटेबल कहाँ पे है, वो एरिया क्या है, वो लोकेशन क्या है, और जो भी रीजन्स फाइंड आउट होते हैं तो वो रीजन के हिसाब से भी आपका प्रोजेक्ट कौन से रीजन में आता है। तो कुछ MIDCs में भी कुछ प्रोजेक्ट्स आते हैं, कुछ रेड जोन में भी आते हैं और कुछ कोस्टल जोन्स में भी आते हैं। तो ये अगर आते हैं तो CRZ रेगुलेशंस आता है कोस्टल जोन के अंदर। अगर रेड जोन कैटेगरी है तो आपको केमिकल एक्सीडेंट रूल, केमिकल के जो अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फॉलो करना पड़ेगी और उसके बाद में ही ये आपका प्रोजेक्ट सैंक्शन हो सकता है। तो उसके लिए जो साइट है वो साइट अप्रूवल इम्पोर्टेंट है। अगर आपने साइट फाइनलाइज किया तो ये साइटिंग के कुछ गाइडलाइंस रहेंगे और फिर जो अल्टरनेटिव साइट्स भी यहाँ पे सजेस्ट हो सकती है। जैसे अगर कोई साइट कॉम्प्लिकेटेड है उस पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जैसे कि नॉर्मली CRZ रीजन में आपकी साइट अप्रूव नहीं होती है, तो कहीं जगह ये स्पेशल केस एग्जेम्पशन केस अगर वो वैलिड लीगल अथॉरिटी थ्रू जाते हैं और वो सैंक्शन होता है तो ही होती है। जनरली ये CRZ अगर एरिया रहेगा तो CRZ की जगह उनको अगर अलग अलग अल्टरनेटिव आपको सोचना पड़ेंगे। तो ये प्रोजेक्ट्स के रिपोर्ट्स में भी आपको अल्टरनेटिव वहां पे देने चाहिए कि ये साइट की जगह हम ये साइट भी ले सकते हैं। तो ये आपके जो साइट एक बार फाइनल हो चुकी या फिर आपने साइट अलग अलग दे चुके हैं तो उसके बाद में ये प्रोजेक्ट पे अलग अलग एक्टिविटीज आप क्या रन करने वाले तो उसके डिटेल्स आपको यहाँ पे देने हैं। फिर ये जो डिटेल्स प्रोजेक्ट से ये एक्टिविटीज है उसके रिलेटेड स्टडी की जाएगी और वहां पे जो भी कंसल्ट पर्सन रहेगा वो आपको डिटेल में बताएगा कि जो भी आपका प्रोजेक्ट है ये बी कैटेगरी में है या ए कैटेगरी में है या B1 कैटेगरी में है या B2 कैटेगरी में है, क्योंकि जो भी कैटेगरी रहेगी उस हिसाब से उसकी प्रोसीजर रहेगी। जैसे अगर आप देखेंगे तो B2 कैटेगरी जो है उसके लिए स्कोपिंग एग्जेम्पशन है, अगर B1 कैटेगरी है तो उसके लिए स्कोपिंग रहेगी,
अगर ए कैटेगरी है तो उसको डिटेल में ही आपको स्टडी करना पड़ेगा। तो ये डिपेंड है आपका प्रोजेक्ट का टाइप क्या है, इसीलिए आपको कुछ एक्सपर्ट पर्सन से भी आपको हेल्प लेना पड़ेगा। उसके बाद में जो आपने साइट फाइनल किया है, जो प्रोजेक्ट एक्टिविटीज फाइनल किया है, आपका टाइप ऑफ प्रोजेक्ट फाइनल किया है, तो इसका सबमिशन आपको एसपीसीबी को करना है, जैसे महाराष्ट्र में एमपीसीबी को, और उसके साथ में आपको ये स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी सबमिट करना है, क्योंकि आपका लोकेशन क्या है उस हिसाब से ये आपको इंफॉर्मेशन देना पड़ेगी। क्योंकि अगर ये फॉरेस्ट लैंड है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यहाँ पे उसका डिटेल स्टडी करेगा कि फॉरेस्ट पे इसका ये प्रोजेक्ट का या एक्टिविटीज का इम्पैक्ट क्या होगा। अगर ये फॉरेस्ट लैंड नहीं है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपको एनओसी दे देगा, और फिर रिमेनिंग के लिए आपको एसपीसीबी गाइड करेगा। तो एसपीसीबी चेक करेगा, असेस करेगा कि इसमें आपके प्रोजेक्ट्स में जो वाटर आप यूज कर रहे हैं, जो मटेरियल आप यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या क्या वेस्ट जनरेट होती है, और स्पेशली वो फोकस करेंगे एफ्लुएंट्स पे। तो जो भी एफ्लुएंट्स आने वाले हैं उसका क्वालिटी क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, और ये जो एफ्लुएंट जनरेट होने वाला है उसके लिए आपके पास कोई ट्रीटमेंट की प्रोसेस है या नहीं, यानी जनरली हम जिसको बोलते हैं ईटीपी प्लांट, तो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की प्रोसीजर या फिर जो फैसिलिटी आपके पास है या नहीं। अगर आपके पास नहीं है तो आपके इंडस्ट्री की या साइट जो है वो लोकेशन के आजू बाजू में सीईटीपी यानी कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है या नहीं, तो ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके अलावा जो आपकी ओवरऑल प्रोसीजर है या प्लान से उसकी इफिशियंसी आपको चेक करना है। अगर इफिशियंसी कम है एनवायरमेंट ओरिएंटेड तो उसको आपको कंट्रोल मेजर्स के गाइडलाइंस भी फॉलो करना पड़ेंगे। तो कुछ स्टैंडर्ड्स वो आपको दे सकते हैं, कुछ रेफरेंस के लिए दे सकते हैं, डायरेक्टली कुछ प्रोसीजर भी दे सकते हैं, वो एसपीसीबी की गाइडलाइंस और प्रोसीजर और स्टैंडर्ड्स आपको फॉलो करना पड़ेंगे। उसके अलावा जो आपका यूनिट है उसमें अगर एफ्लुएंट के अलावा कुछ एयर एमिशन है, एयर पोल्यूशन का इश्यूज है, तो वो एमिशन के भी स्टैंडर्ड्स आपको देखना पड़ेंगे। जैसे अभी एयर पोल्यूशन में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉक्स है, नॉक्स है, तो इसका एक मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है, तो ये मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट के अंडर ही आपको ये कंट्रोल करना है। वैसे ही अगर आप एफ्लुएंट लिक्विड फॉर्म में जो है उसमें भी कुछ अलग अलग पैरामीटर्स हैं, जैसे कि हेवी मेटल्स हैं, पीएचए, सीओडीए, बीओडीए, डीओ, अल्कलिनिटी, एसिडिटी, अलग अलग पैरामीटर्स हैं, तो यहाँ पर भी कुछ स्टैंडर्ड्स गाइडलाइंस दिए हैं, तो ये स्टैंडर्ड्स भी आपको देखना पड़ेगा। वो सभी स्टैंडर्ड्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा, इसका मतलब है ये मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट्स के अंदर ही आपको ये कंट्रोल करना पड़ेंगे। और ये अगर सभी बातें होती है तो एसपीसीबी आपको एनओसी देगा, तो ये एनओसी 15 ईयर्स के लिए वैलिड हो सकती है। ठीक है, अगर आपके प्रोसेस में, प्रोसीजर्स में, लेआउट में कुछ चेंजेस नहीं है उस हिसाब से ये एनओसी आपके 15 ईयर्स तक वैलिड होगी। उसके बाद में ये हमने जो बात की थी कि पब्लिक हियरिंग होगी, फिर ये पब्लिक हियरिंग में आपको डिटेल्स में देना है, जो आपकी प्रोसेस है, जो प्रोजेक्ट है वो डिटेल में आपको पब्लिक को बताना है, और अगर उनका कुछ इशू है, कुछ कमेंट्स है, वो भी आपको क्लियर करना है। अगर ये भी आपका क्लियर हो जाता है तो फिर आपको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट थ्रू और एसपीसीबी के कंसर्न से आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिल जाएगा। तो प्रोजेक्ट के टाइप कौन सा है आपका, प्रोजेक्ट के टाइप के बेसिस पे ये डिपेंड रहेगा। अगर ये कैटेगरी प्रोजेक्ट ए है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा, अगर ये कैटेगरी बी है तो स्टेट अप्रेजल कमिटी जो है, स्टेट गवर्नमेंट, उसके थ्रू आपको लेना पड़ेगा। अगर इसमें मेजर कंसर्न है तो यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट या फिर जो सबमिशन है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो ये सब डिपेंड है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट पे। तो हमने ऑलरेडी कहा है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ये मेन पर्सन रहेगा पब्लिक हियरिंग के लिए, तो ये चेयर पर्सन रहेगा, और उसके साथ में कुछ अलग अलग कमिटी मेंबर्स भी वहां पे होंगे, तो जो रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बॉडी है, एसपीसीबी का मेंबर है, या डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट का मेंबर है, या तालुका एंड ग्राम पंचायत रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, या फिर सीनियर सिटीजन भी हो सकता है डिस्ट्रिक्ट का। तो ये अलग अलग यहाँ पे मेंबर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं पब्लिक हियरिंग में,
आपका लोकेशन क्या है उस हिसाब से ये मेंबर्स डिसाइड होंगे। कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जगह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी चेयरपर्सन हो सकता है, उसके भी कुछ सजेशंस और अमेंडमेंट्स भी आ चुके हैं। उसके अलावा ये जो पब्लिक हियरिंग में भी जो भी कमेंट्स रहेंगे उसका सॉल्यूशन वो जो एप्लीकेंट रहेगा उसको देना है, और इसका सबमिशन जो है पब्लिक हियरिंग का विथ रिकॉर्डिंग ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट को भी सबमिट करना है। फिर ये एनवायरमेंटल अप्रेजल आएगा, जिसमें ये पब्लिक हियरिंग होने के बाद या फिर एनवायरमेंटल इंपैक्ट स्टडी करने के बाद जो भी आपके मेंबर से कमेटी मेंबर से उन्होंने स्टडी करने के बाद आपको डिटेल रिपोर्ट आपको ये सबमिट करना है, चाहे वो रिवर वैली के लिए प्रोजेक्ट रहो, इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट रहो, माइनिंग का प्रोजेक्ट रहो, जो भी है ये आपको डिटेल रिपोर्ट बनाना है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी बनाना है, और उसके बाद में इसका सबमिशन करना है। फिर ये सबमिशन होने के बाद उस पर स्क्रूटिनी कमिटी रहेगी और ये रिपोर्ट की स्क्रूटिनी हो जाएगी, और अप्रेजल कमिटी की जो भी रिकमेंडेशन है ये रिकमेंडेशन वो स्टडी करेंगे, अगर ये रिकमेंडेशन वैलिड है तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट आपका प्रोजेक्ट जो है वो अप्रूव कर सकता है या फिर रिजेक्ट कर सकता है। अगर रिजेक्शन होता है तो आपका रिजेक्शन क्यों हुआ है इसका वैलिड रीजन उनको देना पड़ेगा। तो अगर जैसे मैंने पहले कहा कि अगर फॉरेस्ट पे कुछ असर होता है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के हिसाब से भी आपके यहाँ पे या आपके प्रोजेक्ट पे कुछ ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। उसके अलावा अगर कुछ सेपरेट इश्यूज हैं तो वो इश्यूज भी यहाँ पे आप डायरेक्टली रिटर्न में लिख सकते हैं कि ये इश्यू की वजह से ये कैंसल हुआ या रिजेक्ट हुआ है। अगर आपके प्रोजेक्ट में फॉरेस्ट लैंड इन्वॉल्व नहीं है और एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए जो भी प्रोसेस होनी चाहिए वो अगर नहीं है तो भी ये रिजेक्शन हो सकता है, या फिर कुछ और कुछ एलिमेंट्स है जिसकी वजह से ये हो सकता है। तो जो भी है वो आपको डिटेल रिपोर्ट विथ रीजंस ये आपको 90 डेज के अंदर कंप्लीट करना है, और मिनिस्ट्री को ये डिसीजन देना है 30 डेज के बाद में, और ये कन्वे करना है। तो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो रिजेक्ट हो चुका है तो क्यों रिजेक्ट हो चुका है ये इसका डिटेल आपको सबमिशन करना है। तो ये जो क्लियरेंस अगर आपका होता है तो अगर आपका रिजेक्शन नहीं है आपका अप्रूवल है तो ये 5 साल के लिए ये अप्रूव हो सकता है। तो ये जो रिपोर्ट है जिसको हम डीपीआर भी कहते हैं या फिर फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी रहता है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट या फिर फिजिबिलिटी रिपोर्ट, ये प्रोजेक्ट फिजिबल है या नहीं, या फिर जो प्रोजेक्ट के डिटेल्स हैं जिनमें हमने कहा है कि प्रोसेस क्या है, मटेरियल क्या है, इसकी क्वांटिटी कितनी है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसका एयर पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है, वाटर पे इम्पैक्ट क्या होने वाला है, फ्लोरा एंड फौना पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है, या फिर फॉरेस्ट पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है, एनिमल्स पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है, ह्यूमन बींग्स पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है, सराउंडिंग्स पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है, वाटर बॉडीज पे इम्पैक्ट क्या होने वाला है, ये सभी चीजें यहाँ पे डिटेल में लिखी होंगी, उसको हम कहेंगे डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। और इसका फिर जो डिस्क्रिप्शन है वो डिटेल में अलग अलग तरीके से अलग अलग कॉम्पोनेंट से दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे जियोग्राफिक लोकेशन, इकोलॉजिकल फैक्टर्स, सोशल और टेम्पररल कॉन्टेक्स्ट, और उसके अलावा ऑफसाइट इन्वेस्टमेंट जो भी है वो भी आपको यहाँ पे डिटेल में देना पड़ेगा। इसका जो बेसलाइन डेटा है वो बेसलाइन डेटा में कुछ पैरामीटर्स है, जैसे फिजिकल पैरामीटर्स है, बायोलॉजिकल पैरामीटर्स है, सोशल इकोनॉमिकल कंडीशंस है। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, ह्यूमिडिटी क्या है, ये कितने हाइट पे एक्चुअली प्रोजेक्ट है, इसके सराउंडिंग में क्या क्या है, और फिर यहाँ पे नॉर्मली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या वायरसेस क्या रहते हैं, इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या फिर सोसाइटी से इसका लिंकेज क्या है, तो ये सभी बातें यहाँ पे ये बेसलाइन डेटा में आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगी। इसका एक्चुअली जो करंट रेगुलेशन इंडिया जो है तो ये नॉर्मली 10-25 किलोमीटर रेडियस पे इसका क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है ये स्टडी करता है। तो जो भी प्रोजेक्ट रहेगा तो उसका आपको 10-25 किलोमीटर तक
रेडियस चेक करना है, और ये प्रोजेक्ट की वजह से अगर प्रॉब्लम्स होते हैं या फिर ये पेरीफेरी में अगर कुछ मेजर प्रोजेक्ट या सैंक्चुरी आते हैं तो ये प्रोजेक्ट रिजेक्ट होने के चांसेस है। जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल में देख सकते हैं नेशनल पार्क्स, सैंक्चुरीज और आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स, अगर ऐसे कुछ सेंसिटिव एरियाज यहाँ पे रहते हैं तो यहाँ पे रिजेक्शन के चांसेस है। अगर आपको प्रोजेक्ट इम्पोर्टेंट है, गवर्नमेंट के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट रहेगा, तो आपको जो भी सजेशंस या रिकमेंडेशन मिलेंगे उसके बेसिस ये प्रोजेक्ट सैंक्शन हो सकता है। उसके अलावा जो भी प्रोजेक्ट्स के पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट है ये आपको बताए जाएंगे, जो मिटिगेशन मेजर से वो भी हमको स्टडी करना है, जो निगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है वो भी कम से कम करना है या फिर रिड्यूस करना है, और उसके जो अल्टरनेटिव अगर कुछ रहेंगे तो फिजिबल अल्टरनेटिव भी आपको देखना है। अगर ये प्रोजेक्ट ही नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, अगर ये प्रोजेक्ट का साइज या कैपेसिटी अगर रिड्यूस करेंगे तो क्या हो सकता है, या फिर जो भी मटेरियल्स है वो अगर चेंज करते हैं तो क्या होगा, या ऐसे अलग अलग अल्टरनेटिव भी आपको एनालाइज करना पड़ेंगे। उसके अलावा अगर ये प्रोजेक्ट सैंक्शन होता है तो उसके बाद में मॉनिटरिंग प्रोग्राम भी रहेंगे, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग प्रोग्राम और एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान भी रहेंगे, उस हिसाब से इसका मॉनिटरिंग होगा और उसके हिसाब से भी उसके मिटिगेशन मेजर्स फॉलो हो रहे या नहीं इसका भी मॉनिटरिंग होगा, और कुछ सजेशंस भी ऐड उसमें हो सकते हैं। उसके अलावा जो कॉस्टिंग और उसके जो बेनिफिट्स है इसका भी डिटेल आपको ईआई रिपोर्ट में देना है। तो जो प्रोजेक्ट्स है एनवायरमेंट के बारे में हमने देखा है, उसके अलावा आपको कॉस्टिंग भी देखना है और उसके बेनिफिट्स भी देखना है। तो ये ओवरऑल जो भी कॉस्टिंग उसका होगा या फिर ये प्रोजेक्ट की वजह से अलग अलग अगर फंडिंग रेज होती है, गवर्नमेंट को भी बेनिफिट्स होता है या पब्लिक को भी बेनिफिट होता है, तो इसके बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। तो इसमें जो ओवरऑल आपको बैलेंस करना है कि कॉस्टिंग अफोर्डेबल कॉस्ट भी देखना है, इसके बेनिफिट्स भी ध्यान में रखने हैं, लेकिन सबसे अहमियत जो देती जाती है वो है एनवायरमेंटल जो इम्पैक्ट है, स्पेशली जो हम निगेटिव इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं वो कम से कम होने चाहिए। अगर ये कम से कम निगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है तो ये प्रोजेक्ट सैंक्शन करना चाहिए। तो ये जो बैलेंसिंग है ये बैलेंसिंग आपको करना पड़ेगा और उस हिसाब से इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट आपने करना चाहिए। तो जो भी मेंबर्स रहेंगे, जो एक्सपर्ट्स रहेंगे और खुद आप जो एप्लीकेंट रहेंगे उनको भी इसके बारे में सोचना चाहिए और उसी हिसाब से ये प्रोजेक्ट का प्रपोजल सबमिट करना चाहिए। तो ये डिटेल थे ओवरऑल एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, उसके पैरामीटर्स, उसके रिपोर्ट कंटेंट्स और आपने क्या करना चाहिए। थैंक यू।